मैं हूं जलाल और आप देख रहे हैं जेड आईटी स्टूडियो। आज हम सीखेंगे पावर ISO को कैसे डाउनलोड किया जाता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मशहूल हो। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे। मेरे पास गूगल क्रोम है, मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। वहाँ पे टाइप करें google.com और पावर ISO टाइप करें। मेरे पास ये लिंक है, ठीक है। आप इसे क्लिक करें और ये लिंक ओपन हो गया और ये इसमें दो फाइलें मेरी, ठीक है। अब इसको किस तरह से आपने डाउनलोड करना है, ये जस्ट सिंपल है कि क्लिक करें, पेज ओपन होगा और ये इसे डाउनलोड नाउ करें, अगेन डाउनलोड करें। अपने गूगल क्रोम को क्लोज कर रहा हूँ, जिसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं यहाँ से अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगा, कंप्रेस फोल्डर में जाऊँगा। ये मेरे पास पोर्टेबल है और ये एक्सी फाइल है। पोर्टेबल सिंपल है, इसे एक्सट्रैक्ट करें और ये फाइल है। अगर आपकी विंडोज 32 बिट की है तो आपके पास सिर्फ एक प्रोग्राम फाइल आएगी। अगर आपके पास विंडो है 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल शुदा पोर्टेबल पावर ISO है। इसे कॉपी करें और प्रोग्राम फाइल में डाल दें। आपको कैसे पता चलेगा कि ये 32 और 64-bit है तो ये है। अगर आपके प्रोग्राम फाइल यहाँ पे इस तरह दो आ रहे हैं तो ये 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर एक आ रहा है वो 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप यहाँ से 32 वाले को कॉपी करें और प्रोग्रामिंग में जाके पेश कर दें, आसान सा काम। और इसी तरह दूसरा मैं इसे करता हूँ डिलीट और ये भी ऐसे ही जैसे एक्सपेक्ट करें सेम है। अगर आपकी विंडो 32 है तो 32 वाला ओपन करें, 64 है तो 64 वाला। राइट क्लिक करके ओपन करें, यस और नो जो भी है आप उसको यस और नो में कन्वर्टेड करें। और जब इंस्टॉल हो जाएगा, सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो ये मांगेगा यहाँ से कॉपी करें और अपने प्रोग्राम फाइल में जाके पावर ISO में इसको पेस्ट कर दें। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।